अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। 9 साल बेमिसाल का नारा देते हुए जनसंपर्क चला रही भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने सोमवार को बाउंड्री रोड स्थित होटल ओलिविया में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान मुख्य रूप से पहुंचे राज्यसभा सांसद विजयपाल सिंह तोमर ने मोदी सरकार द्वारा जारी की गई योजनाओं की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक प्रधान सेवक बनकर देश की जनता की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि उनके आने से पहले देश में जातिवाद की राजनीति होती थी, अब विकास और नए भारत के निर्माण की बात होती है। कहा कि यह मोदी सरकार ही है जिसने कोरोना काल में समय पर वैक्सीन लाकर लाखों लोगों की जिंदगी बचा ली, और चाहे वह किसानों की सम्मान निधि योजना हो या जनधन योजना, हर घर शौचालय बनवाने की योजना, मोदी सरकार ने उन सभी मूलभूत जरूरतों पर काम किया है जो आम नागरिक के लिए बेहद जरूरी है। उन्होंने यह भी बताया कि अब देश में बम नहीं फटते, दुश्मनों के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की जाती हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जिला अध्यक्ष विमल शर्मा, महानगर अध्यक्ष मुकेश सिंगल, आलोक सिसोदिया आदि मौजूद रहे। देखिए, मोदी जी के 9 साल बेमिसाल, इन 9 वर्षों में जो काम हुआ है वो कार्य कई क्षेत्रों में, मैंने बताया, ऐसा कार्य हुआ है जो 60 साल में नहीं हो सका। स्वास्थ्य के क्षेत्र में, देश की आर्थिक क्षेत्र में, आम आदमी की समृद्धि के क्षेत्र में, एक तरफ जहां विकास के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में भारत विश्व के क्षितिज पर चमकता हुआ सितारा है, 5वीं बड़ी शक्ति बना है, ब्रिटेन को पीछे छोड़ा है, और विशेषज्ञ कह रहे हैं 27 तक भारत 3री बड़ी शक्ति बनने वाला है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि समृद्ध काल में हम विकसित देश बन जाएंगे और विश्व गुरु की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ये संकल्प सिद्धि तक पहुँचेगा। साथ ही आम आदमी की आमदनी 9 वर्ष में दोगुनी हुई, 1,87,000 प्रति वर्ष की आमदनी हो गई, आम आदमी की आमदनी भी बढ़ी है। हमने शिक्षा के क्षेत्र में नई नीति लाने का काम किया है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आपने देखा होगा 48.5 करोड़ लोगों के जनधन के खाते खुले, ताकि गरीब आदमियों का पैसा बिचौलियों पर ना जाए, सीधा सीधा उनके खाते में जाए। सीधे हमारी जो त्रिशक्ति है, जनधन खाता है, आधार है, मोबाइल है, इसके द्वारा किसानों को किसान सम्मान निधि 6,000 मिल रही है। हमारे महिलाओं के लिए जहां 11.5 करोड़ से अधिक इज्जत घर शौचालय बने हैं, 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास बने हैं, वहीं 9 करोड़ से अधिक, करीब 9.5 करोड़ उज्ज्वला गैस के कनेक्शन दिए गए हैं, 10 करोड़ के करीब आयुष्मान भारत योजना के कार्ड दिए गए हैं, 5 लाख तक का मुफ्त इलाज कराने का, और चाहे वो सड़क का क्षेत्र हो, चाहे वो रेल का क्षेत्र हो, चाहे वो एम्स हो, 5 एम्स 8 एम्स कुल थे 60 वर्षों में, 8 एम्स के देश में आज 23 हैं, आ इन 9 वर्षों में 15 बढ़े हैं। कॉलेजों की संख्या 9 वर्ष के अंदर मेडिकल कॉलेज 225 बढ़े हैं, यूनिवर्सिटी की संख्या 723 थी, आज वो 1113 है। इसी तरह हमारे डिग्री कॉलेज हैं, उनकी संख्या में 5,000 कुछ थे जो आज 43,000 से ऊपर हो गए हैं, 58,000 से ऊपर, सॉरी। तो ये बड़ी संख्या में हमारे शिक्षा के क्षेत्र में हो और चाहे रक्षा के क्षेत्र में हो, रक्षा के क्षेत्र में जहाँ हम स्वावलंबी हुए हैं, हम 4,100 आइटम स्वयं निर्माण कर रहे हैं, 16,000 करोड़ का निर्यात इसी साल हमने दूसरे देशों को किया है। हमने कोविड के टाइम पर या अपने 220 करोड़ डोज लगी हैं देश में, 110 देशों को देने का काम किया, जो अब तक लेने वाले थे भारत, आज वो देने वाला बन गया। भारत की छवि सुधरी है दुनिया में, भारत की, क्योंकि आर्थिक रूप से भारत संपन्न है। इसलिए संपन्न है कि जितने लीकेज थे, जो यूपीए के टाइम में हर मामले में घोटाला होता था, सब घोटाले बंद हो गए। इसलिए सड़क में कहीं 33,000 करोड़ से कम का बजट था, हमारा 2,70,435 करोड़ का इस साल का बजट है। कृषि के क्षेत्र में उनका बजट 23,000 करोड़ था आखिरी बजट, हमारा पिछले साल का 1,25,000 करोड़ का बजट है। देखिए, ऐसा है, उनके टाइम में जितनी भी योजना होती थी वो प्रधानमंत्री एक नाम मात्र के प्रधानमंत्री थे, 10 जनपद से ही कंट्रोल होती थी। कोयले में घोटाला हुआ, हेलीकॉप्टर खरीद में घोटाला हुआ, पनडुब्बी खरीद में घोटाला हुआ, कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ, आदर्श सोसाइटी घोटाला हुआ, कौन ऐसा जगह थी जहां घोटाले नहीं होते थे।
आज उन घोटालों पर रोक लगी है, इसीलिए आज बजट भी बढ़ा है और आर्थिक रूप से भारत सारे कारोबार जब कोविड में बंद थे तब भी भारत की आर्थिक स्थिति जहां हमने अपने देश को संभाला है आसपास के देशों की सहायता करने का काम किया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट .tv।